Hello student, welcome to Sri Omar Vyas Vidyapeeth Manmohan Prasad Public School which is situated in Shyamnagar, Kanpur and CBSE affiliated from New Delhi. And I am your computer teacher. Today's my topic is the computer network for class 8 and myself Deepak Tiwari. Okay, let first discuss about the key concepts of the computer networking. सो सबसे पहले हम ये इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है. उसके बाद नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क आर्किटेक्चर्स के बाद पढ़ेंगे हम एक्सेसिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन थ्रू अ नेटवर्क एंड देन सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क. दिस होल चैप्टर इज इन 3 वीडियोस. सो दिस इज़ अ पार्ट 1 ऑफ नेटवर्क. सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ नेटवर्क. अगर मैं जनरल भाषा में पूछूं कि नेटवर्क क्या होता है, तो नेटवर्क का सीधा सीधा मतलब है कि जब हम एक साथ कई सारे लोगों का ग्रुप बन जाता है तो हम उसे नेटवर्क बोल देते हैं. तो ठीक उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में भी, जब कई सारे कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ अ नोड कनेक्टेड टुगेदर सो दैट द रिसोर्स एंड द इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर. अ नोड इज़ द टर्म गिवन टू ईच कंप्यूटिंग डिवाइस इन अ नेटवर्क. यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क, जब हम कई सारे छोटे छोटे नोड्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नेटवर्क क्रिएट करता है. और यहाँ पर नोड जो है वो हमारा एक जो है जेनेरिक टर्म है जो कि इंडिविजुअल कंप्यूटर्स के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं. इसके बाद अ नेटवर्क कैन आइदर बी वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क. यूज केबल टू कनेक्ट डिवाइस टू द नेटवर्क. अ वायरलेस यूज वायरलेस इक्विपमेंट लाइक वाईफाई राउटर फॉर कनेक्टिंग टू द नेटवर्क. सो कहीं ना कहीं जो नेटवर्क है वो हमारा वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह से मिलता है. जो हमारा वायर्ड है वो जो है केबल का यूज़ करते हैं नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए, और वहीं वायरलेस जो है वो वायरलेस इक्विपमेंट जैसे कि वाईफाई राउटर है उनका इस्तेमाल करते हैं आपस में कनेक्ट होने के लिए. ओके, इसके बाद किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कि जब वो कनेक्टिविटी के टर्म्स में आ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ अ नेटवर्क. तो अगर हम अपने नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क हैज़ मेड अ कम्युनिकेशन चीपर, मोर इफेक्टिव, मोर एफिशिएंट, फास्टर एंड हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग शेयरिंग ऑफ रिसोर्स ईजियर. यानी कहीं ना कहीं हमारा जो नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन है वो सस्ता है, ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत सारे लोग इस तक पहुँच सकते हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है. ये जो किसी भी काम को करने में मना भी नहीं करेगा, ज़्यादा फास्टर है और साथ साथ में इसमें जो है शेयरिंग का काम भी बड़े आराम से हो जाता है. इसके बाद लेट अस सी हाउ द नेटवर्क कैन हेल्प अस. नेटवर्क कैसे हमारी हेल्प कर सकता है. तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टोरेज मीडिया. स्टोरेज मीडिया के बाद हमारा है, उसमें हम इफेक्टिव बैकअप्स रख सकते हैं. इफेक्टिव बैकअप्स के साथ साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन शेयर करने के साथ वो कॉस्ट इफेक्टिव है, और कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ रिड्यूस करता है जितने भी हमारे वेस्टेज होते हैं. अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ स्टोरेज मीडिया, व्हाट इज़ इफेक्टिव बैकअप, व्हाट इज़ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द स्टोरेज मीडिया हियर. सो व्हेन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एस्टैब्लिश वन कैन एक्ट एज अ मेन कंप्यूटर और अ सर्वर. दिस सर्वर distributes the software or hardware that the other network computer needs. This enable all computer in a network to retrieve the data stored in the main server. Simple सी बात है, जब भी हम किसी network की बात करते हैं तो किसी भी network में एक जो है हमारा वहाँ पर main computer होता है जो कि server की तरह act करता है. Server के पास सारी information होती हैं जितने भी nodes उस particular network से connected हैं, और ये चीज़ server ही decide करता है कि किस system को हमें कौन सा hardware या फिर कौन से software की need है और उसको कौन सा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हमें देना है. और साथ साथ में ये इनेबल करता है कि कैसे हम लोग को डेटा स्टोर करना है मेन सर्वर में. ओके, इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि इफेक्टिव बैकअप का मतलब क्या है, कि नेटवर्क में बैकअप क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है. तो मैं आपको बता देता हूँ. मोर देन वन कॉपी ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कैन बी सेव ऑन अनादर कंप्यूटर नेटवर्क और सर्वर. इफ वन सिस्टम गेट फेल द डेटा कैन बी रिट्रीव फ्रॉम द बैकअप स्टोर्ड ऑन द नेटवर्क. दिस अलाउ यू टू वर्क सीमलेसली ऑन एनी नेटवर्क कंप्यूटर बिकॉज द डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन ऑन द नेटवर्क. यानी सिंपल से कहने का मतलब है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग सेव करते हैं वो कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी सर्वर पर जाके सेव हो जाता है, ताकि अगर कभी भी हमारा कोई भी सिस्टम अगर फेल करता है तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास बैकअप जो है नेटवर्क के सर्वर में मौजूद है. हम वहाँ से वापस से अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं और हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है अपने डेटा को लॉस करने की. इसके बाद आता है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिव.
ओके सो दीज आर द बेसिकली टू पॉइंट विच इज कंक्लूडेड इन वन स्लाइड. दैट इज इंफॉर्मेशन कैन ईजिली बी शेयर्ड अमंग द कंप्यूटर्स कनेक्टेड वाया नेटवर्क. यानी कि मान लीजिए अगर किसी भी नेटवर्क में पांच कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो पांचों के पांचों कंप्यूटर कहीं ना कहीं जो है एक तरह से एक दूसरे से इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकते, बशर्ते उनमें जो मेन सर्वर है वो जो है प्रॉपरली वर्क करना चाहिए. इसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो नेटवर्क इज कॉस्ट इफेक्टिव एज मैनी हार्डवेयर डिवाइसेज आर शेयर्ड, दस द कॉस्ट इज रिड्यूस्ड. दिस ऑल्सो अप्लाई टू द मैनी लाइसेंस सॉफ्टवेयर विच कैन बी शेयर्ड ऑन अ नेटवर्क. नेटवर्क जो है हमारा कहीं ना कहीं एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव है, उसमें कई सारे हम हार्डवेयर डिवाइसेज को जोड़ सकते हैं बहुत ही कम, और साथ साथ में जितने भी लाइसेंसेस सॉफ्टवेयर हैं या फिर जितने भी लाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं वो सारे ही इस नेटवर्क के अंदर शेयर किए जा सकते हैं. Okay guys, this is it from today's class, and tomorrow we are going to discuss about the further elements of network. Till then, take care, stay safe, stay at home, stay quarantined, and avoid corona.